एक भी बिक्री हो जाए भैया। हाय एवरीवन, फिर से नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो गाइस आज हम लोग हैं निकले हैं डाक बम में। तो अगला ब्लॉग में आप लोगों को दिखाए थे सेवा बम, अभी निकले हम लोग डाक बम, क्योंकि जो आप लोगों को दिखाए थे वो ब्लॉग तो बम लोग का सेवा कर रहे थे, तो अभी हम लोग बम बने। तो अभी इधर थोड़ा सा अभी डायरेक्ट बस से उतरे और थोड़ा इधर आगे हनुमान घाट, ये उधर पीछे घाट है, ये पूरा गंगा जी। इधर गंगा जी में जितना सोचे तो उतना पानी तो आया नहीं है, बहुत कम पानी है। चलो ले चलो। तो अभी थोड़ा इधर रिलैक्स कर रहे हैं, इसके बाद निकलेंगे, खाना पीना खाएंगे और नहा धोवा के जल उठा के सीधा निकलेंगे। तो चलिए थोड़ा रिलैक्स करते हैं, इसके बाद चलेंगे डाक बम। तो अभी सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो चुके हैं और निकलेंगे नहा धोवा के मस्ती से। और ये रहा हमारा यूनिफॉर्म डाक बम का, सारे लोग एक कलर के हैं, लेकिन वो एक कलर का नहीं है, वो हमारे ग्रुप से नहीं है। गजब बेइज्जती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ज्ञानदेव का। तो ये रहा इधर गंगा जी, गंगा जी में पानी कम है अभी, जो अगला बार आता था ना तो पानी बहुत ज़्यादा था, अभी पानी बहुत कम है, पता नहीं क्यों। सब जगह तो पानी पड़ ही रहा है, हमारे बिहार में क्यों नहीं पड़ रहा है? बिहार में अकाल क्यों पड़ गया यार? राजस्थान में बाढ़ आ गया, इधर तो पानी ही नहीं है, बहुत कम है, जो है इतना ही है। थोड़ी देर में खा पी के नहाएंगे मस्ती से और डाक बम निकलेंगे। तो चलिए नहाते और खाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो अभी हम लोग खाना पीना छोड़ छाड़ के आदर्श भैया के घर में आ गए। तो ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये आदर्श भैया का घर है, जो भागलपुर का नंबर वन यूट्यूबर और जो मिमिक्री मैन भी कह सकते हैं आप लोग। तो हम लोग वहीं पर हैं जहाँ पर आदर्श भैया का घर है। ये रहा उन लोग, उनका बाइक, और ये रहा आदर्श भैया का घर। और हम तो तीन लोग आए थे, लेकिन अभी आदर्श भैया तो मिल नहीं पाएंगे, थोड़ा काम में बिजी हो गए, हो सकता है कभी हम तो डाक बम आए थे, लेकिन अभी आदर्श थोड़ा सोचे भागलपुर आए तो आदर्श भैया से मिल लेंगे तो मज़ा ही आ जाएगा, लेकिन नहीं मिल पाए। तो नेक्स्ट टाइम किसी और दिन आएंगे और आदर्श भैया से मिल के जाएंगे। तो यही रहा आदर्श भैया का घर और हम लोग तीन लोग। और ये सड़क, जैसे सड़क लोग आते हैं और यहाँ पर भैया शूट जो करते हैं वीडियो, यहीं पर जो अपना वीडियो बनाते हैं रील्स और जो यूट्यूब का जो वीडियो बनाते हैं, यहीं पर आप लोग देखते हैं जो बनाते हैं। और देख सकते हैं ये घर और कुछ नहीं। तो चलिए, तो आदर्श भैया तो मिले नहीं, नेक्स्ट टाइम एक दिन कभी ज़रूर आएंगे और आदर्श भैया से मिल के जाएंगे। अभी चलते हैं, खाना पीना खाते हैं और नहा धोवा के गंगा जल ले के अपने मंजिल की ओर निकलते हैं। A few moments later. तो फाइनली भैया से मिल चुके हैं, भैया से मिलते बहुत मैं नर्वस हो गया भैया, सही में बता रहा हूँ। अच्छा, हाथ वाता ऐसे हो रहा है काम। तो बात तो देख, कोई बात नहीं है। अचानक से भैया बाहर निकले और मैं पहचानने में थोड़ा सा हिचकिचा गया, लेकिन मैंने बोला आदर्श भैया। तो आपसे पहचान अच्छा लगा, आपको बहुत अच्छा है, सबका यात्रा करने के लिए आएंगे। हां सर, गुड्डा जल डाक बम, डाक बम सोचे आपसे मिल ले, देवघर जा सर। नहीं नहीं, गुड्डा गुड्डा सिपुर सिपुर जाना। सभी को बहुत बहुत बधाई हो और अच्छे से जाइएगा भाई, ख्याल रखिएगा, पैर पर ख्याल रखिए, सब कुछ ख्याल से, खाना पीना टाइम पे। भैया से मिलके बहुत खुशी हुई, भैया बहुत अच्छे इंसान है, एटीट्यूड अभी नहीं है, बिल्कुल जीरो लेवल है, बोलता है कि नहीं एटीट्यूड, कोई एटीट्यूड, 1% एटीट्यूड नहीं है। प्यार है आप लोग का, महादेव का कृपा है और आप लोग, महादेव आप लोग कृपा बनाए रखे, आपका घर परिवार सब एकदम एकदम सुखी हो, स्वस्थ हो आप, यही सब तो चाहिए जिंदगी में। क्या चाहिए, जान दौलत थोड़ी चाहिए, जान दौलत के लिए आदमी थोड़े दौड़ रहा है, नहीं नहीं, दौड़ सुख के लिए दौड़ रहा है, सुख मिले और समृद्धि मिले, अच्छा लाइफ पार्टनर मिले आप लोगों को, भगवान से हम भोलेनाथ जी से यही मतलब विनती करते हैं और आप लोगों को बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। थैंक यू, हमारे भैया को ऐसे प्यार दिखाते रहे, आपका फेसबुक में दो मिलियन देखे बहुत अच्छा लगा भैया, जो लोगों को बहुत अच्छा लगता है, मेरे सक्सेस को वो लोग इंजॉय करते हैं, अच्छा लगता है, जैसे भाई बोले कि बहुत अच्छा लगा आपका 2 मिलियन हुआ, अच्छा तो वो मेरा सक्सेस नहीं है, वो भाई लोग का सक्सेस है जी भैया। अगर आप आपका जन्मदिन रहता है तो उसमें ताली जब सुबह बजाता है ना, तो सोचो कि वो ताली सिर्फ वो अपने लिए बजा रहा जी। तो ये आप लोग का ही सक्सेस है। जब पहले आप टिकटॉक जो बनाते थे, सारे लोग जो देखते थे, मैं भी बनाता था ठीक है, लेकिन सारे लोग मुझे भी बोलते थे टिकटॉक क्यों बनाता है, ये क्यों करता है, ये सारे लोग भी बोलते थे, लेकिन आपका मैं देखता था तभी ना, आप जो करते थे आपका देख के मैं भी करता था, ये क्या देख के हम लोग मोटिवेट रहिए भाई, दोस्त दोस्त का साथ देते रहिए। हाँ भैया ठीक है, और मन में कभी भी किसी भी प्रकार का 6-5 दिन साथ में रहिए, समझिए, समझदारी के साथ काम कीजिए, क्या क्या महादेव उसी का साथ देता है जो खुद का साथ दे जी भैया, महादेव उसका साथ छोड़ देता है जो खुद का साथ ना दे, लाते है ना, सही बात। बस अच्छे कर्म कीजिए, अच्छी राह पर चलिए, बाकी तो सब
ऊपर वाला कहाँ ऊपर वाले कहाँ पे आधार महादेव आधार महादेव बोल बम बोल बम ठीक है भैया चलते हैं भैया ख्याल रखिएगा ठीक है भैया सबको प्रणाम बोलिएगा भैया भोलेनाथ से थोड़ा विनती कीजिएगा कुछ अच्छा नहीं भैया सही भैया हाँ भैया आपके लिए बहुत एक भी बिक्री हो जाए भैया ओ बाबू प्रणाम कर दिया हो बाबू हरे महादेव महादेव तू लोग बोलबम डागबम जे हो बाबू आप लोग एकदम पड़पड़ा के बोलबम बोलिए महादेव आप लोग पे कृपा बनाए रहे अब ऐसे यही कहेंगे और आगे बढ़ते रहिए बाबू हर हर महादेव हर हर महादेव तो हमारे अंकल जी जो उनके पिताजी मेरे अंकल जी ठीक है भैया चलते ठीक है भैया हाँ भैया ठीक है थैंक यू भैया थैंक यू बहुत अच्छा लगा मिलके थैंक यू भाई तो देखा आदर्श भैया कितने अच्छे हैं हम सब से मिले और इतना अच्छे से बात किए दिल को बहुत अच्छा लगा यार सही बता रहे मैं जान मैं पता है मैं नर्वस हो गया था यार सही बता रहा हूँ मैं सोचा आया तो सोचा मिल लो अच्छा लगेगा लेकिन तभी जो मैंने आपको पहले बताया कि मैं नहीं मिल पाया तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा जब जो सामने आके चंदू बोला आदर्श भैया तो दिल खुश हो गया गेट से निकले दाढ़ी वाड़ी थोड़ा बढ़ा लिए है तो उतना पहचान में नहीं आया लेकिन अचानक से दिमाग में आया तो मैंने हाथ उठा के बोला आदर्श भैया तो बोले हाँ मजा आ गया भाई दिल से बहुत अच्छा लगा भाई और एटीट्यूड कुछ भी कुछ नहीं है 0% कुछ नहीं है ना ही बोलो तो अच्छा है तो अभी चलते हैं अच्छा लगा मिल के और इधर हमारे बम लोग हैं अभी जा रहे हैं जल चढ़ाएंगे और चलते हैं और बम के झुंड में शामिल होते हैं नहा धोवा के मस्ती से और जल लेके चलते हैं एनर्जी आ गया बोलते हैं एनर्जी आ गया मिल के आदर्श भैया चलिए चलते हैं तो जल के लिए डब्बा ले रहे हैं हम लोग और ये डब्बा लेंगे और चलेंगे जल भरेंगे नहा धोवा के अच्छे से और यही बाबा को चढ़ेगा ये जल बोल बम तो देख सकते कितना ज़्यादा अभी भी भीड़ है इतना ज़्यादा अभी रोड का बाकी है तो चलिए भरते हैं गंगा जी में जाते हैं और नहाते हैं फिर गंगा जल भर के सीधा निकलेंगे चलिए बोल बम तो अभी गंगा जी का स्नान करके हम सब निकल चुके हैं अपने मतलब मंजिल की ओर तो हमारा मंजिल है गुड्डा सीतूर आप लोगों को पता ही है तो चल रहे जल लेके चल रहे और हमारे पीछे चंदू तो धीमे रफ्तार से चल रहा है तो चलो चंदू आगे बढ़ो बोलो बम बोल बम बोल बम बोल बम हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव तो चलिए चलते हैं और आगे का सीन आप लोगों को दिखाते हैं तो भी हम लोग भागलपुर से निकल रहे हैं और पीछे देखते थे कितना ज्यादा बम है तो आज जो बम चले हैं बोल बम बहुत ज्यादा बम चले हद से ज्यादा बम चले बोल बम तो चलिए अभी निकल रहे हैं भागलपुर से तो अभी और आगे का सीन दिखाएंगे जो जबरदस्त सीन होने वाला है सवारी होने की चाची मौसम उस पर चल रहे बोल बम बोल बम देखते थे कितना ज्यादा भीड़ है मजा आएगा आज का जो ब्लॉग होने वाला है ना बड़ी मजा आएगा और आदर्श भैया से मिल के बहुत अच्छा लगा मैंने सोचा भी नहीं था मैं आऊँगा या डाक बम और आदर्श भैया से मिल पाऊँगा मेरा सपना पूरा हो गया मिल भी लिया और बहुत अच्छा लगा कैसे और आगे का जो सीन होगा और भी लाजवाब सब सीन होगा तो चलिए आप लोगों को दिखाएंगे वीडियो में अंतर बने वीडियो का मजा लीजिए तो भी हम लोग कौन सा पार्क है लबोखर तो भी हम दोनों लबोखर पार करके आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि मैं उधर वीडियो इसलिए शूट नहीं कर पाया क्योंकि पूरा ज़्यादा हालत खराब हो गया था पैर अभी भी लग रहा है जयपुर गया है उसका लग रहा है लेकिन हमारे भाई लोग ने सेवा की अच्छे से और जो मैं पहले जो वीडियो वहाँ से स्टार्ट किया था पावर ग्रिड से वो पार कर चुके हैं और अभी वहाँ से बहुत आगे आ चुके हैं लबोखर आप लोगों को पता ही होगा जगह का जगह कहाँ है लबोखर तो भी हम ही दोनों चल रहे हैं और जो जो चले थे सारे लोग फेल हो गए बोल चेहरा देखे तो पता ही लग रहा ही होगा इतना ज़्यादा हालत खराब हो चुका है लेकिन अभी भी हार नहीं माने तो जल चढ़ा के ही बैठेंगे हाय एवरीवन मैं उस दिन तो वीडियो पूरा कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि मैंने बोला था मंदिर जाके आप लोगों को वहाँ का व्यू दिखाऊंगा जैसे जल ढालूंगा तो आप लोगों को दिखाऊंगा लेकिन मैं वो आप लोगों को दिखा नहीं पाया उसके लिए सॉरी पता नहीं क्या हो गया यार जैसे मैं जल ढारा मैं सोचा जाते जाते आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे क्या करते हैं कैसे जल ढालते हैं सोचा मैं ये दिखाऊंगा क्योंकि मेरा भी फर्स्ट बार था
तो सोचा दिखाऊंगा लेकिन दिखा नहीं पाया क्योंकि मैं इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मेरे पैर का जवाब दे रहा था, क्योंकि मैं बोलने की हालत में नहीं था। मेरे घर वाले भी बोल रहे थे तू क्यों गया, तू सेवाई कर। मैंने आपको दिखाया था मैं सेवाई करता था और आप लोगों को ब्लॉग भी दिखाया था, वो वाला पिछले वाला ब्लॉग नहीं दिखाया तो आप लोग देखिए जाके, क्योंकि जल चढ़ाने से कुछ नहीं होता। अब आप लोगों का सेवा कीजिए, मुझे पता चल गया सेवा करने में ज़्यादा पुण्य है, ठीक है, जल चढ़ाने में कोई पुण्य नहीं है। तो मैंने भी सोचा छोड़ा एक बार चलता हूँ यार, जल भी चढ़ा लूँगा, देखता हूँ कैसा होता है। तो आया तो पैर ही नहीं, घर में आया तो यार सच बता रहा हूँ लिटरली घर से यार चौकी में जैसे बैठा ना, मैं पहले गाड़ी में जो वहाँ पे बैठा ठीक है जल चढ़ा के तो नीचे उतरा तो मेरा पैर ही नहीं उठ रहा था यार, काम ही नहीं कर रहा था, पूरा हालत खराब हो गया। तो घर आया तो मैं आया, ब्रश भी नहीं किया ठीक है, तो इसी तरह थोड़ा मोड़ा कुछ खाया, इसके बाद सो गया। तो बाद में शाम को उठाऊँ, शाम को उठ के चावल खाया, थोड़ा सा चावल खा के, लेकिन पैर तो काम ही नहीं कर रहा था, हालत पूरा ज़्यादा खराब हो गया। तो मैं दो दिन के बाद, ये जो आप पार्ट देख रहे हो दो दिन के बाद का है ठीक है, मैं दो दिन तक कुछ नहीं कर पाया तो दो दिन तक हालत ख़राब है। तो अभी भी हालत ख़राब है लेकिन अभी भी थोड़ा सही है, थोड़ा नॉर्मल हो चुका है तो अभी कुछ सही है। तो होता है क्या कीजिएगा, जल चढ़ा लिया लेकिन फैल नहीं हुए। तो हमारे ये तीन चार लोग थे वो लोग फैल हो गए, हम मेरा भाई वो लोग फैल नहीं हुआ। तो किसी तरह जल चढ़ा लिया, बहुत अच्छा लगा बाबा को जल चढ़ा के। और क्या ही बोले, और आप भागलपुर का हीरो आदर्श आनंद भैया से मिले, बहुत अच्छा लगा। तो चलिए आदर्श भैया को भी दिल से धन्यवाद, तो कितना अच्छे से बात की हम लोगों से, जा रहे थे बोले खाना खा लेना, कितने अच्छे हैं और जो मिमिक्री करते हैं वो, कितना अच्छा लगा सुन के। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग पर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।